हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं हेडलाइंस से रिलेटेड। तो अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कैसे पढ़ें, तो पहले आप उन्हें देखें और फिर तीसरे पे आए कि एडिटोरियल सेक्शन कैसे करते हैं। तो आज के इस थर्ड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर्स और कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इसके एडिटोरियल सेक्शन को हम कैसे इंग्लिश में से हिंदी में ले आते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर्स में हमें वर्ड की मीनिंग भी पता होती है, बट फिर भी हम उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते, हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार उनके सेंटेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो तीन सेंटेंसेस आपस में मिक्स्ड होते हैं, इससे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके वर्ड्स भी टफ होते हैं, डिफिकल्ट हमें लगते हैं और फिर हम नहीं निकाल पाते। तो ऐसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है या फिर ऐसी कौन सी हम ट्रिक या टेक्निक अपना सकते हैं और जिसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस को पहले ब्रेक करें, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें ताकि वो हमारे लिए समझने में आसान हो और फिर उनकी मीनिंग की हेल्प से हम धीरे धीरे उसे समझते चले जाएं। तो आज हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे एडिटोरियल सेक्शन पर। आप ध्यान से पढ़ें और फिर होप कि आपको एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ने में इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ और टेक्निकल चीजें जो इसके बाद की बचती हैं वो आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में आपको मिल जाएंगी इस वीडियो सेशन के, बट अभी हम केवल एडिटोरियल के कुछ बेसिक पॉइंट्स पे जा रहे हैं। तो अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखो तो इसको एडिटोरियल पे हमने तीन चीजों से इसको रिलेट करके रखा है। एक हमने यूज किया कि यूज ऑफ डैश, दूसरा हमने लिखा है यूज ऑफ डबल कॉमा, और तीसरा हमारा है ब्रेकिंग सेंटेंसेस। तो हम इसको तीन हेडलाइंस के तहत, तीन अलग अलग पॉइंट्स के तहत समझेंगे, जिसमें पहले हम समझेंगे कि यूज ऑफ डैश अगर एडिटोरियल है तो उसमें डैश का यूज क्यों करते हैं, और अगर डैश का यूज किया गया है तो हम कैसे उसको मीनिंग क्लियर करेंगे। फिर दूसरा है हमारा डबल कॉमा। कई बार हम सेंटेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो डबल कॉमा आ जाता है, मीन्स एक बड़ा सा सेंटेंस है बीच में दो बार कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे आसानी से। और लास्ट में है कि अगर सेंटेंसेस बहुत बड़े हैं तो उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं यूज ऑफ डैश। तो डैश क्या होता है या फिर कैसे हम इसके मीनिंग्स को निकालते हैं, ये देखो आप, ये एक एडिटोरियल की क्लिपिंग है और आप फोकस करिए इसमें ये वाली लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको ये पढ़ना है, बाकी पर छोड़ दीजिए आप। आपको पढ़ना है वी अग्रीड दैट सेफ स्पीडी and sustainable return of displaced persons Rohingyas is in the national interest of all three countries Bangladesh, Myanmar and India। लाइन दिख रही है आपको, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, आपका फोकस केवल इन्हीं तीन लाइंस पर होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझें, मीनिंग्स बाद में जाएंगे। तो लाइन हमारी है कि वी अग्रीड दैट सेफ स्पीडी एंड सस्टेनेबल रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्संस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज। अब आप ध्यान से देखो तो थ्री कंट्रीज के ठीक बाद में क्या लगा हुआ है, डैश, ये डैश। आप में से जो डैश नहीं पहचानते क्या होता है, कैसे होता है, ये देखो, ये डैश होता है, ठीक है, दिख रहा। तो अब डैश के बाद क्या लिखा है, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। तो एक्चुअल में कहीं पर भी आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ रहे हैं या किसी भी न्यूज़पेपर में जब हम डिटेल्स पढ़ते हैं तो डैश क्या करता है, डैश अपने ठीक पहले आने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस को एक्सप्लेन करता है। आप फिर से ध्यान से सुने, डैश का क्या रोल होगा न्यूज़पेपर पढ़ते समय, डैश का रोल होता है कि जिस किसी भी वर्ड या फ्रेज के पहले डैश लगाया गया है ये उसी वर्ड या फ्रेज को एक्सप्लेन करेगा। जैसे अब आप देखो कि यहां पे डैश है तो डैश के पहले क्या है, ऑल थ्री कंट्रीज, दिख रहा है, ये सर्कल किया है मैंने, ऑल थ्री कंट्रीज। तो डैश क्या करेगा, तीन देश, सभी तीन देश, कौन से सभी तीन देश हैं, डैश इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तीन देश कौन से हैं, ये हैं बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। मतलब समझ रहे हैं,
जिस किसी भी वर्ड या जिस किसी भी फ्रेज के पहले डैश लगा होगा, डैश हमेशा उसी वर्ड या फ्रेज की मीनिंग को एक्सप्लेन करेगा, ना कि पूरे सेंटेंस को, ना कि पूरे पैसेज को। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये आपको और आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये वाला है, अब आप इसमें आपको पढ़ना है, जी हाँ, यहां से देखो। हाउ एवर सिंस द बैन बाय इंडिया ऑन कैटल एक्सपोर्ट, कैटल ट्रेड हैज फॉलन फ्रॉम 23 लाख इन 2013 टू 75,000 टिल द एंड ऑफ मे दिस ईयर। अब आगे क्या लिखा है, विच मेक्स द आर्गुमेंट अनकन्विंसिंग, और यहां पे लग गया डैश। क्या लग गया? डैश। तो पूरा सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? हाउ एवर सिंस द बैन बाय इंडिया ऑन कैटल एक्सपोर्ट, फिर है कैटल ट्रेड हैज फॉलन फ्रॉम 23 लाख इन 13 टू 75 टिल मे दिस ईयर। अब आगे इन्होंने लिखा कि विच मेक्स द आर्गुमेंट अनकन्विंसिंग। तो पहले तो आप क्या करो, आप जो डैश वाली लाइन है, जो स्टेटमेंट है, आप उसकी मीनिंग निकाल लो। तो हमारी लाइन क्या है? हमारी लाइन है विच मेक्स द आर्गुमेंट अनकन्विंसिंग। तो अनकन्विंसिंग क्या होता है? कॉन्विंसिंग मतलब जब आप किसी की बात से सहमत होते हैं कि बात तो सही है, अनकॉन्विंसिंग मतलब आप सहमत नहीं होते हो। तो विच मेक्स द आर्गुमेंट अनकॉन्विंसिंग का क्या मतलब निकल रहा है कि ये आर्गुमेंट या ऊपर के जो लॉजिक हैं उसको कैसा बना रहा है, कि हम सहमत हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या जवाब होना चाहिए? कि कुछ ऐसा है जिसको हम कॉन्विंस नहीं कर रहे हैं, मींस जिससे हम सहमत नहीं हो रहे हैं। मतलब ऊपर की लिखी बातें कुछ ऐसी है कि दिल मानने को तैयार नहीं है। ये किसकी लाइन का मतलब हुआ? विच मेक्स द आर्ग्यूमेंट अनकन्विंसिंग। अब ये सारी बातें किसके लिए कही गई हैं? वही पॉइंट जो पिछली हमने अभी देखा था लाइन में, कि डैश के ठीक पहले जो कुछ भी है, जो टर्म या फ्रेज है, ये उसी को एक्सप्लेन करेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो डैश के पहले का जो टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म, वो ये है कि 23 लाख से गिरकर कैटल ट्रेड कितना हो गया? 75,000। 2013 में ये लिखा हुआ है, 2013 में कैटल ट्रेड कितना था? 2013 में कैटल ट्रेड था 23 लाख, फिर ये फॉल हुआ, गिरा, और गिरकर कितना हो गया? ये हो गया 75,000 इस वर्ष की मई में। तो ये जो राइटर ने कहा कि ये जो बातें हैं कि 23 लाख से गिरकर 75,000 हुआ, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? अनकॉन्विंसिंग है। ये सहमत नहीं हो पा रहा हूं मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा हो सकता है। तो अब पूरी लाइन का अगर मतलब देखें तो क्या बनेगा? हाउएवर, हालांकि, सिंस द बैन बाय इंडिया ऑन कैटल एक्सपोर्ट, जब से इंडिया ने बैन किया है कि अब कैटल एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। कैटल मतलब मवेशी, पशु। तो जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया कि आप कैटल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कैटल का ट्रेड 23 लाख से गिरकर 75,000 हो गया है। और राइटर ने आगे डैश करके लिखा कि ये जो बातें हैं ये अनकॉन्विंसिंग है, ये मानने लायक नहीं है, ये मानने के लिए उतनी आसान नहीं है कि हम आसानी से मान सकें। तो डैश पे हमने केवल दो एग्जाम्पल्स किए थे। आप याद रखेंगे, डैश हमेशा क्या करेगा? उससे पहले का जो टर्म होगा, टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे शब्द से नहीं है कि जैसे डैश के पहले ईयर लिखा है तो आप ईयर को ही ले लेंगे, नहीं। डैश के पहले के टर्म या फ्रेज का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डैश के पहले, ये उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है डैश। अगर आपको डैश में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कुछ पढ़ते समय एडिटोरियल्स, जो भी आपको डैश वाले सेंटेंसेस मिले, और अगर आप उनकी मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो तो टेल मी इन द कमेंट एंड आई वुड लव टू हेल्प यू। हम दूसरे वाले पे अब चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा यूज ऑफ कॉमा। यहाँ पे डबल कॉमा होना चाहिए था, बट ये शॉर्ट में लिखा गया है, यूज ऑफ कॉमा। कॉमा का यूज क्या है ये हमको पता है, बट कई बार दो कॉमा एक साथ आते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है कि ऊपर दो कॉमा लग रहा है, नीचे दो कॉमा एक साथ आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, मैं बता रहा हूं। ये है, तो आप इसमें ध्यान से देखो, ये लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। द कोर्ट्स री एग्जामिनेशन ऑन द कॉन्ट्रेरी इज एंकर्ड इन साउंड प्रिंसिपल्स। दिख गया आपको? द कोर्ट्स
re-examination on the contrary is anchored in sound principles. अब क्या होता है कि अगर हमें नहीं पता कि ये जो डबल कॉमा है, डबल कॉमा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखो ये लिखा है on the contrary, इसके पहले एक कॉमा ये लगा है examination के बाद, इसके बाद एक कॉमा ये लगा हुआ है is के पहले, तो on the contrary क्या है? दो कॉमा के बीच में लिखा गया है। अब newspapers या कभी भी चीजों को पढ़ते समय ज्यादा आसानी आपके लिए होगी कि ये जो दो कॉमा के बीच में लिखा है आप इसे हटा दें, इस पर ध्यान ही ना दें। तो एक बार को चलो हम मान लेते हैं कि on the contrary लिखा ही नहीं है, तो अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बचा? हमारा सेंटेंस बचा the court's re-examination is anchored in sound principles। क्या बचा? The court's re-examination is anchored in sound principles, क्योंकि on the contrary हमने हटा दिया। तो अब आपको इस पूरी लाइन का अर्थ कैसे निकालेंगे? आप पहले मीनिंग निकालोगे, the court's re-examination is anchored in sound principles, मतलब कोर्ट ने जो re-examine का प्रोसेस है वो एक sound principles पे किया है या करता है कोर्ट। sound principles का मतलब है यहाँ पे means कुछ भी मनमानी नहीं, उसके अपने कुछ नियम कानून है और उसके आधार पर वो चीजों को re-examine करता है। बीच की लाइन जो हमने छोड़ दी, अब धीरे से उसकी मीनिंग निकालिए और ऐड कर दीजिए। on the contrary मतलब के विपरीत। तो के विपरीत का सेंस क्या है? अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो ऊपर आपको ऐसा मिलेगा कि लोगों ने ये कहा कि ये बस कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने लॉ को नहीं देखा, कोर्ट ने कानून नहीं देखा, कोर्ट ने बस एक जनहित में लोगों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए फैसला रीएग्जामिन कर दिया। जबकि राइटर कह रहा है कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये गलत है, इसके ठीक विपरीत होता है। होता क्या है कि कोर्ट साउंड प्रिंसिपल्स के आधार पर रीएग्जामिन करता है। तो आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर डबल कॉमा के बीच में दिख रहा है तो आप क्या करोगे? आप उस डबल कॉमा वाले फ्रेज या सेंटेंस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको अलग निकालें, जो बच रहा है उसकी मीनिंग निकालें और फिर जो अलग निकाला है उसकी मीनिंग निकालें और दोनों को जोड़ दें। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हाँ ये वाला है, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। यहां से देखो, however it is China that is mediating when given its geographical proximity, it is India which is ideally positioned to play a positive role in regional leadership। ये करना है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि इस सेंटेंस में डबल कॉमा में क्या है, तो हमें दिखेगा कि आप ये देखो, given its geographical proximity, ये क्या है? दो कॉमा के बीच में है, गिवन के पहले एक कॉमा है और प्रॉक्सिमिटी के बाद में भी एक कॉमा है। तो अब अर्थ निकालते समय पूरे सेंटेंस का हम क्या करेंगे? सिंपल था, जैसा अभी आपने किया पहले, इन दोनों इनको हटा दो आप। गिवन इट्स ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को मान लीजिए कि लिखा ही नहीं है। अब अगर ये नहीं लिखा तो बचा क्या? हाउ एवर इट इज चाइना दैट इज मेडिएटिंग वेन इट इज इंडिया विच इज आइडियली पोजिशन टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन रीजनल लीडरशिप। पहले आप इसका अर्थ निकालेंगे। तो हाउ एवर हालांकि इट इज चाइना, ये चाइना ही है दैट इज मेडिएटिंग, जो कि मध्यस्थता कर रहा है, जबकि इट इज इंडिया, ये भारत है विच इज आइडियली पोजिशन, जो एक सही रूप से उस स्थिति में है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। कहां पर? रीजनल लीडरशिप में, क्षेत्र में एक नेतृत्व के रूप में। अब हम बीच वाली लाइन जो हमने हटाई उसको ऐड कर देंगे। गिवन इट्स ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मीन्स इसके ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को ध्यान में रखते हुए। गिवन का मतलब ध्यान में रखते हुए, यहां पर आप गिव मतलब देना तो उसका थर्ड फॉर्म मत रखिएगा। गिवन का मतलब ध्यान में रखते हुए और ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है भौगोलिक रूप से पास में होना, समीप होना, क्लोजनेस। तो पूरा क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को अगर हम ध्यान में रखकर देखें तो भारत उस पोजीशन में है कि ये क्षेत्र में एक लीडरशिप रोल दे सकता है पॉजिटिव में, जबकि चाइना क्या कर रहा है? वो मेडिएट कर रहा है। तो डबल इन्वर्टेड, सॉरी डबल कॉमा वाला भी आप कर लोगे। डबल कॉमा में क्या करेंगे?
आप डबल कॉमा के जो बीच में वर्ड या फ्रेज कुछ भी है, सेंटेंस है, उसे हटाएंगे, बाकी जो बचेगा उसकी मीनिंग निकालेंगे, डबल वाले की मीनिंग अलग से निकालेंगे और फिर दोनों को फिट कर देंगे। ठीक है, तीसरे वाले पे चलते हैं। तो तीसरा हमारा है ब्रेकिंग सेंटेंसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डैश या डबल कॉमा ये तो बहुत छोटी बातें थी, ब्रीफ थी। एडिटोरियल समझने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन? ब्रेकिंग सेंटेंसेस। लेकिन ब्रेकिंग सेंटेंसेस क्या है, कैसे ये रोल प्ले करता है, या फिर हम कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ने वाले, तो थर्ड पार्ट में आप केवल इन दोनों को अप्लाई करोगे, डैश और डबल कॉमा को। कोई कंफ्यूजन होगी देन कमेंट मी एंड आई वुड लव टू रिप्लाई यू। एंड वेट फॉर अनदर पार्ट, पार्ट 4, जिसपे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा ब्रेकिंग सेंटेंसेस का, जो शायद एडिटोरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तक के लिए थैंक यू।